यार। ये सूत्र का नाम है नंदन सूत्र। नंदन, नंदन एक बगीचा है देवलोक में, जहाँ इंद्र जी रहता है ना, वहाँ पे एक नंदन उद्यान है, नंदन वन उद्यान। उसी नंदन बगीचा खूबसूरत है। उसी नंदन बगीचा में भगवान बुद्ध भी बहुत चीज बताती है। ऐसा ऐसा खूबसूरत नंदन बगीचा है। आजकल ऐसा बगीचा दुनिया में तो है ही नहीं। खूबसूरत बगीचा, नंदन बगीचा। उसमें भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन आश्रम में रहते थे। उसी दिन भंते लोगों को बताया भिक्षु, भंते लोग बताया भिक्षु, पहले ऐसा एक चीज हुआ है, क्या है, तावतिन से देवलोक में एक देवता था। कौन सा देवलोक में? तावतिन से देवलोक में वो दिव्य अप्सरा को, यानी कि दिव्य देवी लोगों को, सुंदर सुंदर देवी लोगों को हमेशा घेर के रहते थे। घेर के मतलब बहुत सारे देवी लोग उसको सेवा कर रहे थे, उसी देवता को। कौन सा देवलोक में? तावतीन से देवलोक में। उसी देवता को दिव्य सुख संपत्ति पूरा भर के मिल रहा है। सुंदर सुंदर रूप, सुंदर मधुर आवाज, सुगंध और अच्छा अच्छा दिव्य भोजन और अच्छा अच्छा शरीर का स्पर्श, यानी कि शरीर का सुख तथा और सारे मन प्रसन्न होता है ये सारी चीजों में से, है ना? कैसे पता? हाँ, इसीलिए तो वो देवता उसी लाभ सत्कार से, उसी सुख संपत्ति से खुश होकर ये बात बोल दिया। देवता ने बताया बहुत सारे देवी लोग जो रहने वाले, बहुत सारे देवता रहने वाले, सुंदर खूबसूरत दिव्य भवन जहाँ है, उस नंदन बगीचा अगर नहीं देखेगा तो कोई उसको पता नहीं चलता है सुख क्या है। कोई नंदन बगीचा अगर नहीं देखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। इतना बहुत जरूरी है ये नंदन बगीचा को देखना। इसके बाद और एक देवता, ये देवता का बात सुन लिया। सुनने के बाद वो देवता ने इस देवता को बताया, अरे मूर्ख, तुम अरहंत बनते लोगों का वाणी नहीं जानते हैं क्या? क्या बताया वो देवता उस देवता को? अरे मूर्ख, अरहंत बनते लोगों का वाणी को नहीं जानते हैं? सारे संस्कार अनित्य हैं। संस्कार मतलब संसार जो जो बन जाता है, उत्पन्न होता है, बदल रहा है, वो सब कुछ इसको कहता है संस्कार। वो संस्कार, संसार नहीं, संस्कार है वो सब कुछ अनित्य। अनित्य मतलब कुछ बदलता है, जो बदलते रहता होता है। तो संस्कार का स्वभाव क्या है? उत्पन्न होता है, बदल रहा है, नष्ट हो रहा है। ये है ना, उत्पन्न होता है, बदल रहा है, नष्ट हो रहा होता है। ऐसा कुछ भी है क्या उत्पन्न होकर हमेशा सदाकालिक है? कुछ भी नहीं है। देवताओं के पास नहीं, ब्रह्म के पास नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, क्योंकि सब कुछ उत्पन्न होता है, बदल रहा है, नष्ट हो रहा है, नष्ट होता है। और देव वही देवता बताया, तुम
अरहंत बनते लोगों का ये बात जानेगा तो वो बात कभी बोलेगा नहीं। ये नंदन बगीचा में भी तुम कुछ समय रहेगा, क्षण हो जाएगा, नंदन बगीचा भी भविष्य में खत्म हो जाएगा, ऐसे करके बता दिया। इसका मतलब देवताओं के पास ज्ञानी वाले देवता भी है ना? कैसे देवताओं के पास ज्ञानी देवता है? तथागत ने जो वाणी बोले हैं उस पर सब समाज का ऐसा 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 वो देवता देवलोक में जाने के पहले मनुष्य लोक में थे। आप लोग जैसा आप लोग जैसा रहते उन लोग आप लोग जैसा बार बार ज्ञान की बात सुने हैं, सुनकर सारे गलत मिथ्या दृष्टि को हटा दिए, पुण्य किए, पुण्य करके ज्ञान भी सुनकर वो देवताओं के पास जाते हैं। जाने के बाद हर एक चीज जो जो कुछ देखता है सुनता है हर एक चीज को ज्ञान से मनन करता है। ज्ञान सुने तो दूसरे जन्म में भी ज्ञान मिलेगा। बिल्कुल, अगर इसी जीवन में आप ध्यान करेंगे तो अगले जन्म में आपको आराम से ध्यान कर सकता है। इसी जीवन में आप ज्ञान सुनेंगे तो अगला जन्म में बहुत बड़ा ज्ञानी बनकर जन्म लेता है, बहुत बड़ा। लेकिन वो पहले देवता ऐसा नहीं है, पहला देवता सिर्फ पुण्य किया है, ज्ञान सुनने के बारे में कोई नहीं मालूम, इसीलिए वो सिर्फ पुण्य किया चल गया। इसके बाद सुख देखने का तो उसमें आसक्त होते रहता है। बाकी देवताओं ऐसा नहीं, बाकी देवताओं सुख देखने के बाद आसक्त भी होता है और उसका संस्कार अनित्य है, ये वो भी जानता है, ऐसे रहता है बाकी देवताओं। तो इसलिए ऐसा है तो हम लोग अभी जो प्रयास करता है मरने के बाद तो सब खत्म हो जाता है क्या? जी, नहीं। ज्ञान नहीं, नहीं। पढ़ाई लिखाई खत्म होता है जी, नहीं। और सारे घर द्वार बनाता है, पैसा कमाता है, सब खत्म हो जाता है अनित्य। हम लोग मरने के बाद जो कुछ पुण्य किया, ज्ञान सुना, पाप किया, अज्ञान सुना, अज्ञान मतलब मूर्ख बातें, मतलब गलत बातें बाबा लोग कहता है ना, दूसरा जो जो लोग कहता है वो बातें सुन के मरने के बाद उसी बात के साथ भी मिथ्या दृष्टि में रहता है। ये बाबा तो बहुत बोलते रहते हैं। कौन बाबा? फूल लेके आता है ना, फूल लेके इसीलिए अगर आप लोग में सील अच्छे से पालन करेंगे तो अगले जन्म में सील पालन करने का मन करता है। आप लोग का हाथों से पाप होता ही नहीं है क्योंकि मन नहीं करता है हत्या करने का। क्यों मन नहीं करता है? पिछले जन्म का आदत। अभी भी कोई कोई लोग हैं कभी पंचशील के बारे में सुना तक नहीं, लेकिन उन लोग को हत्या करने में, चोरी करने में, गलत काम करने में, झूठ बोलने में, नशा करने में मन नहीं लगता है। अगर कोई जबरदस्त दे दिया तभी वो नशा नहीं पीता है बचपन से, क्योंकि पिछले जन्म का आदत ऐसा है। कोई कोई लोग सुनता ज्ञान लेके उसको विश्वास नहीं करता है ना, इसीलिए ये बात बहुत सुंदर सूत्र है। और एक सूत्र है, छोटा सूत्र, नंदति सूत्र। नंदति मतलब आनंद लेता है, खुश खुश होने के बारे में बताया गया सूत्र, नंदति सूत्र। भगवान बुद्ध के पास आकर के एक देवता भगवान बुद्ध को बताए, देखिए देवता क्या बताए, जिसके पास बच्चे हैं वो लोग बच्चों के चलते खुश हो जाते हैं, तथा जिसके पास गाय है गाय का मालिक गाय के चलते खुश हो जाते हैं, आनंदित होता है। इसी प्रकार जो कोई मन की लोभ लालच आता है, लाभ संपत्ति है, वो सारे चीजों में से मानव को हमेशा खुशी मिलता है। अगर किसी के पास लोभ लालच वगैरह नहीं है तो खुशी मिलता नहीं है। कौन बोल रहा है? देवता। एक देवता किन को बता रहे हैं? तथागत भगवान को। तथागत भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध ने बताया नहीं देवता ऐसा नहीं, जिसके पास बच्चे हैं वो बच्चे को माई बाप बच्चों के चलते दुख हो जाता है। क्यों?
उन लोगों को खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा, बीमार पड़ता है पढ़ाना है उन लोग समय आ, फिर आने के बाद शादी करवाना है। बच्चों के चलते कौन खुश होता है? थोड़ा खुश होता है, मेरा बेटा पढ़ने बहुत तेज है, लेकिन उसी बेटा के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है ना। फिर बेटा को बहुत प्यार करता है, बेटा को बीमार पड़ गया, कितना दुख है, रोना पड़ता है, बेटा का हाथ पैर टूट गया तो बहुत दुख मिलता है मम्मी पापा को। फिर बच्चा को, बच्चा कहीं जा करके नहीं गा गया तो बहुत डर लगता है। क्यों ऐसे होता है? बच्चों के चलते लोगों को दुख मिलता है। इसके बाद बताया, जिसका पास गाय है वो हमेशा दुख में रहता है। कैसे? उसी गाय के चलते, गाय के बारे मनन करते करते, क्योंकि लोभ लालच आता है, फिर उसको खिलाना पिलाना पड़ता है, वो सारे चीज लेने के बाद गाय के चलते भी दुख है। ये इसी प्रकार लोभ लालच प्यार जिसके पास है तो वो हमेशा दुख में रहता है। अगर ये लोभ लालच प्यार वगैरह गंदगी मन में नहीं है तो वो कभी भी शोक नहीं करता है, अफसोस नहीं करता है। इसके बाद और एक देवता ने बताया, ये सूत्र का नाम नत्थी पुत्र सम यानी कि पुत्र के समान कुछ नहीं है, उसी के बारे में बताया गया सूत्र। छावास्ती में रहते समय एक देवता भगवान बुद्ध के पास आकर के बताया, तथागत पुत्र के ऊपर जो प्यार है, पुत्र स्नेह है, पुत्र स्नेह के समान और कोई प्यार है ही नहीं है। कौन बता रहे हैं? एक देवता क्या बता रहे थे? पुत्र के जैसा कोई सुख है ही नहीं, पुत्र के समान। पुत्र पर स्नेह है ना, प्यार, पुत्र पर प्यार, उतना प्यार किसी पर नहीं और किसी पर नहीं है। सबसे उत्तम प्यार पुत्र पर प्यार। गाय संपत्ति से ज्यादा और कोई धन है ही नहीं है, सबसे अच्छा धन गाय संपत्ति है। सूरज का रोशनी से ज्यादा और कोई बड़ा रोशनी है ही नहीं है। महासमुद्र से बड़ा और पोखर है ही नहीं है। भगवान बुद्ध ने बताया, देवता आप इसी प्रकार सोचिए, ये सही है। क्या है? अपने को जो लोग प्यार करता है उसी प्यार से ज्यादा और प्यार है ही नहीं है। इसका मतलब लोग सबसे ज्यादा किसको प्यार करता है? अपने को प्यार करता है सभी लोग। वैसे ही प्यार से ज्यादा और बड़ा प्यार है क्या? नहीं। आप लोग अपने को प्यार नहीं करता है? करते हैं। बहुत करता है ना, सबसे ज्यादा। और धान्य है ना, धान्य के समान और कोई धन है ही नहीं। धान्य जो रोपता है, धान धान है सबसे बड़ा संपत्ति। वो देवता बताया, सूरज की रोशनी से ज्यादा कोई प्रकाश नहीं। भगवान बुद्ध बताया, ऐसा नहीं, प्रज्ञा की रोशनी से, ज्ञान की रोशनी जैसा और कोई रोशनी नहीं है। ज्ञान एक रोशनी जैसा क्यों लग रहा है? देखिए, रात में अच्छा से प्रकाश हो गया तो सब कुछ दिखाई देता है कि नहीं? आप रात में अनजान जगह पे गया था, अभी भटक जाएंगे क्या? नहीं। रास्ता दिखाई दे रहा है ना, टेम्पो है, जा सकता है। रात में अमावस्या के दिन रात में कहीं जाके गिर गया तो आसमान से आके अनजान जगह पे, अमेरिका या पता नहीं कौन सा देश है पता नहीं, रात में कुछ दिखाई देता है, जा सकता है? नहीं। वैसा है अज्ञान, यानी कि जिसके पास अज्ञान है तो उसको पता नहीं क्या करना चाहिए। अगर कोई बता दिया तो ईश्वर के लिए एक मुर्गा काटो, जी भगवान हम मैट्रिक पास होने के लिए दो को मुर्गा काटेंगे। इसका कह दिया तो तुमको ऐसा एक परेशान है इसीलिए एक लोकर पहन लो, लोकर पहन लो, उसको 3,000 रुपया लगेगा, जी महाराज वैसे ही मैं करूँगा। और अगर कह दिया तो मम्मी का जान मारने के लिए वो भी करेगा।
क्यों अज्ञान है, है ना? अज्ञान के सामने कोई करुणा दया कृपा कुछ है क्या? नहीं। लेकिन ज्ञान ही ऐसा नहीं, ज्ञान प्रकाशमय होता है। ज्ञान के लोग का दिमाग प्रकाशमय होता है। प्रकाशमय होता है मतलब दीन में कहीं भटक जाएंगे नहीं, अच्छा से रास्ता खोज के जा सकता है। वैसे ही दुनिया जितना भी चिल्लाना है चिल्लाएगा, तुम मुर्गा काटो भगवान के नाम से, बकरी को काटो, कबूतर को काटो भगवान के नाम से, तुमको कल्याण होगा। वो कहेगा नहीं भगवान के नाम से नहीं, किसी का नाम में भी हत्या करेगा तो कल्याण नहीं, घाटा है। अगर कहेगा तो आप एक पूजा करिए, आपको एग्जाम जल्दी पास हो जाएगा। अगर पूजा से एग्जाम पास हो जाएगा, पूरा धरती को पूजा पाठ पढ़ाएंगे, पूरा धरती एग्जाम से पास हो जाएगा। ऐसे होता नहीं, पुजारी का बेटा भी फेल होता है और क्या। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताया जिसके पास ज्ञान है तो उन सब कुछ देखता है, सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से कल्याण होता है, क्या करने से घाटा होता है, वो सब कुछ उन लोगों को दिखाई देता है। इसके बाद बताया अंतिम में वो देवता क्या बताया, महासमुद्र जैसा, और कोई पोखर नहीं बताया ना भगवान बुद्ध ने बताया, सचमुच में बारिश के समान और कोई पोखर नहीं है। बारिश का कभी अंतर होता है क्या? हमेशा होते रहता है। बारिश के समान और कोई पोखर नहीं है। इसके बाद और एक सूत्र है, खत्तीय, खत्तीय, खत्तीय मतलब शास्त्रीय, शास्त्रीय कौन है? राजा, राजा, राजा के बारे में बताया गया सूत्र। ये भी एक देवता भगवान बुद्ध के पास आकर के नमन करके ये बात बताया, दो पैर वाले प्राणियों में से, दो पैर वाले प्राणी कौन है? हम लोग, मानव है ना, मानव चिड़िया वही था। दो पैर वाले प्राणियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है राजा। कौन बोल रहा है? देवता। चार पैर वाले लोगों में से सर्वश्रेष्ठ होता है गाय। इसके बाद पत्नियों में से सर्वश्रेष्ठ होता है छोटी स्त्री। छोटी स्त्री मतलब बचपन में शादी करती है ना, वो सर्वश्रेष्ठ होता है, सुंदर लगता है। बच्चा लोगों में सर्वश्रेष्ठ होता है सबसे पहले जन्म लेने वाले बच्चा, सबसे पहले जन्म लेने वाले सबसे बड़ा बच्चा सर्वश्रेष्ठ होता है बच्चे लोगों में से। क्या क्या देवता बताया? दो पैर वाले लोगों में सर्वश्रेष्ठ होता है राजा, चार पैर वाले लोगों में से सर्वश्रेष्ठ होता है गाय, इसके बाद पत्नियां में से सर्वश्रेष्ठ पत्नी छोटी पत्नी, इसके बाद बच्चे लोगों में सर्वश्रेष्ठ जो सबसे पहले जन्म लेता वही बच्चा। भगवान बुद्ध ने बताया दो पैर वाले सारे लोगों में से सर्वश्रेष्ठ होता है तथागत भगवान बुद्ध, चार पैर वाले लोगों में सर्वश्रेष्ठ होता है आजाने घोड़ा। आजाने घोड़ा मतलब हाथ में राजा के पास एक घोड़ा है उजला रंग का, वो घोड़ा कुछ भी कर सकता है, वो घोड़ा का आसमान से भी अब जाने जा सकता है, वो घोड़ा जिस युद्ध में आता है ना पूरा युद्ध को हरा देता है अकेले, क्योंकि उसी प्रकार घोड़ा दिमाग वाला है, घोड़ा जानता है कहाँ पे हम राजा को लेके जाएंगे, वहां पे गए तो आदमी मर जाएगा इसीलिए उसी जाएंगे, इधर गया तो राजा मर जाएगा इसीलिए हम यहाँ नहीं जाएंगे, इसी प्रकार ऊपर से कूदेंगे तब राजा को इन लोग को मार सकता है, इसलिए उसी घोड़ा का नाम आजानी घोड़ा। आजानी घोड़ा शायद होगा, कोई पहचान तो नहीं घोड़ा को अभी, है ना, भारत में था उस समय। इसके बाद पत्नियां में से सर्वश्रेष्ठ होता है जो अपनी स्वामी को प्यार करता है वही पत्नी। वो देवता कौन बताया? छोटी लड़की, छोटी लड़की मतलब 15-16 साल की लड़की है ना वही।
बच्चा लोगों में सर्वश्रेष्ठ बच्चा होता है आज्ञाकारी बच्चा, यानी कि मम्मी पापा का बात मानता है, इज्जत सत्कार सम्मान करता है, उसी बच्चा को कहते हैं आज्ञाकारी, बात मानने वाले बच्चा सर्वश्रेष्ठ होता है। इससे हम लोग एक चीज सीख सकते हैं, देवताओं की ज्ञान हमेशा सही होता है क्या? नहीं, गलत होता है। तो देवताओं किसी आदमी को उपदेश दे दिया तो वो उपदेश परम सत्य है क्या? नहीं। देखिए अभी देवताओं जो जो बोलते हैं सब गलत है ना, तब भगवान वो सही बताता है ना, देवता ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो बताए सारे मानव सर्वश्रेष्ठ राजा है, भगवान बोलते नहीं, तथागत भगवान वो सर्वश्रेष्ठ है, चार पैर वालों को में से गाय बताए भगवान बुद्ध ने नहीं आजाने, पतिनिया में से देवता बताए 15-16 साल का सुंदर लड़की, स्वामी को सेवा करने वाला जो अपना स्वामी को अच्छा से प्यार करता है, सेवा करता है, वही बच्चा लोगों में से कौन बताया सारा चीज? नहीं, सबसे पहले जन्म लिया भगवान बुद्ध ने बताया, जो बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है मगर जो आज्ञाकारी श्रेष्ठ वही श्रेष्ठ। मम्मी पापा कहेंगे कि जब मछली मारो तो वो आज्ञा पालन नहीं किए थे, वो ऐसा पाप पे पाप को भी पालन नहीं करना चाहिए। आज्ञाकारी होना मतलब मम्मी पापा कहेंगे तो बेटा तुम मेहनत करके पढ़ाई करो, स्कूल में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो, आज्ञाकारी। और मम्मी पापा कहेंगे तो तुम ये मुझे काम करके दो, लेकिन वो काम पे पाप नहीं मिलना चाहिए, अगर पाप मिलेगा तो भविष्य में पछताना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग के लिए पापा मछली मारेंगे और हम लोग पापा बोलेंगे तुमको के लिए मछली मार रहे हैं तुम खा लो, हम खा लो तो उससे पाप मिलेगा, क्योंकि वो हम लोग के लिए मारेगा, पाप मिलता है आपके लिए, अगर मछली मार दिया तो आप पाप में ज्वाइन थे, क्योंकि आपका नाम मारते समय आपका नाम उसमें है, अगर आप वो उसमें वो खा लिया तो ज्वाइन हो गया, इसीलिए आप और नहीं खाए उसके लिए, अगर आपके नाम से नहीं मारा तो उसमें आप जॉइंट नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही ज्ञान सीखता है, माँ बाप के बात नहीं मानता, यही ज्ञान सीखता है, माँ बाप के बात नहीं मानता, बताना चाहिए, यही ज्ञान सुनता है, पाप की बात ही नहीं मानता है। ठीक है।